हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो अपना नया टॉपिक है, लास्ट वाले टॉपिक में मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था। आज जो नया टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना नहीं आता तो ये पहले वो वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये समझना है, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जैसे ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस मानते हैं अपन, अपवर्ड डायरेक्शन, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस मानते हैं, और डॉट का मतलब क्या होता है, इस प्लेन से बाहर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इस प्लेन के अंदर। तो ये चीजें आपको पहले भी मैं बता चुका था, तो ये यहां भी काम आने वाली है। अब देखिए, करंट कैरिंग कॉइल, देखो कोई भी कॉइल होती है, जैसे ये मान लो कॉइल है, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, ये कॉइल, कॉइल मतलब क्लोज लूप, ठीक है ना, ये कॉइल। तो कोई भी कॉइल के अंदर दो तरीके से करंट फ्लो कर सकता है, करंट कैन फ्लो इन टू वेज, है दो वे में करंट फ्लो कर सकता है। एक करंट इस तरह से फ्लो करेगा लाइक दिस, तो ये जो सेंस है करंट के फ्लो करने का वो किस तरह का है, द सेंस ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज दिस। ये जो है वो कैसा है बेटा, आप सबको पता है ये क्लॉकवाइज है, इट इज क्लॉकवाइज। और ये जो सेंस है वो कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब जब अपन पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, तो आप ही समझिए कि दो तरह की करंट कैरिंग कॉइल होगी आपके पास, एक जिसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हो, एक जिसमें करंट कैसा फ्लो करता हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हो, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और एक एंटी क्लॉकवाइज लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न कैसा होता है ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो लेट अस सी, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सारी चीजें समझेंगे। देखो बेटा, ये आपकी क्लोज लूप है, दिस इज अवर क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, ठीक बेटा। और अपन मानते हैं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब आप एक बात समझ सकते हैं ना कि ये जो इतनी बड़ी जो लूप है, इतनी बड़ी जो लूप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका हर एक पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट दैट बिहेव्स लाइक ए वायर। आप इसका कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे, स्मॉल पार्ट, कोई भी पार्ट लेंगे छोटा सा, तो वो एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए वायर। ये आप छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये भी एक वायर है, यहाँ छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये भी एक वायर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो लूप है वो छोटे 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 वायर के टुकड़ों से बनकर मिलकर बनी हुई है। अब एक छोटे से वायर के टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपन कौन सा रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इसमें ये छोटा सा टुकड़ा ये वाला लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, अपन डायग्राम बना रहा हूँ, छोटा सा टुकड़ा अपन ने लिया, तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये मैं आपको खूब बता चुका हूँ राइट हैंड थंब रूल है ना, करंट कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो इसकी जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है बेटा। और ये अंदर से घूम कर वापस बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, छोटे से टुकड़े के कारण, ठीक बेटा। ऐसे ही मान लो आपने छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया आपने छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा आपने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखो ये करंट ऐसे है और ये अंगुलियां ऐसे, तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से अंदर से घूम के वापस बाहर आ रहे, ठीक है बेटा। अब कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेंगे, मान लिया आपने यहां से छोटा सा टुकड़ा लिया, ये छोटा सा टुकड़ा लिया, तो यहां भी देखो आप ये करंट ऐसे जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो ये यहां से भी आप छोटा सा टुकड़ा लेंगे, कहीं पर भी लेंगे आप छोटा सा टुकड़ा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से अंदर से घूम के इधर से अंदर से आ रही और फिर बाहर आ रही, ठीक है। तो यहाँ कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर आप लेंगे, यहाँ पर मान लो आपने छोटा सा टुकड़ा लिया, तो देखो
यहाँ पर आपने जो करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे अंगुलियां अंदर, तो यहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, फिर घूम के बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो भी इस तरह से अंदर से जाके बाहर आ रही, यहाँ से अंदर जा रही फिर बाहर आ रही, ठीक है ना। कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेंगे आप, यहाँ से भी छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो ये इस तरह से अंदर जाएंगे, और फिर कोई कहीं भी आप यहां पे लेंगे तो दोबारा यहां पर घूम के बाहर है, ठीक है। तो आप, मैंने क्या बोला कि आपके पास एक क्लोज लूप है ना, और क्लोज लूप जब वो छोटे 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 वायर के टुकड़ों से बनी हुई है, तो हर एक वायर के टुकड़े के कारण क्या हो रहा है। आप देखो इस लूप के अंदर की बात करते, तो लूप के अंदर क्या लग रहा है आपको कि इस वायर के टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। इस वायर के टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर लूप के अंदर है क्रॉस, इस वायर के टुकड़े के कारण भी अंदर है, इस वायर के टुकड़े के कारण भी अंदर है, इस वायर के टुकड़े के कारण भी अंदर है, इस वायर के टुकड़े के कारण भी अंदर, और इस वायर के टुकड़े के कारण भी अंदर है। मतलब हर एक वायर के टुकड़े के कारण है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां बिठा देगा आप, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, अंदर जा रही, यहां से अंदर जा रहा, यहां से अंदर जा रहा, यहां से अंदर जा रहा, यहां से अंदर, 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 समझो। तो आप क्या लिखेंगे कि एवरी पार्ट ऑफ वायर कंट्रीब्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन फॉर करंट इन, कौन से डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस लूप में, ठीक है। तो हर एक पार्ट जो है ना वो लूप के अंदर की बात कर रहे हैं, लूप के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ठीक है, वो तो यू जाके यू बाहर आ रही है, यू जाकर यू बाहर आ रही है, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को लूप के अंदर देखना है। तो लूप के अंदर वाला जो वॉल्यूम है या एरिया में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, कहां जा रही है बेटा, अंदर ना। तो एवरी पार्ट ऑफ वायर कंट्रीब्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन फॉर करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ लो। तो ये आप एक बार लिख लीजिए इसको, तो इसको और अच्छे से समझ लो। तो मैं इसको, इस डायग्राम को ये ऐसे भी बना सकता हूं, देखो ध्यान से, कि जब भी आपके पास क्लॉकवाइज आए, ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज आए तो आप ये क्लॉकवाइज लूप आप बना देंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इतना आसान नहीं होता समझना, क्लॉकवाइज आप बना देंगे, क्लॉकवाइज लाइक क्लॉकवाइज बना दिया, और आपको पता है कि क्लॉकवाइज के कारण आप देखेंगे, क्लॉकवाइज के कारण है यहाँ पर भी अंदर है, यहाँ पर भी अंदर है, यहाँ पर भी अंदर है, अंगुली अंदर जा रही है, यहाँ भी अंगुली अंदर जा रही है, मतलब सबके कारण का बेटा अंदर। इसमें एक बड़ा साफ क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर इनसाइड द प्लेन, किधर जा रही है बेटा, इनसाइड द प्लेन जा रही है, ठीक है बेटा। तो यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर प्लेन ऑफ लूप, ठीक है बेटा, और अपन लूप के अंदर की ही बात करते हैं। तो एक तो क्लियर हो गया अपना जो टॉपिक था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल में, जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के अंदर होती है, ये अपने को क्लियर हो गया, वेरी क्लियर। अच्छा, मैंने ये जो क्रॉस बनाया इसे कंफ्यूज मत हो जाना आप, ये नया लूप, ये तो क्रॉस साइन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है बेटा। अब देखो आप समझ रहे सारे बच्चे, अब अपन मानते हैं लेटेस्ट है ना एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज अपन पढ़ेंगे तो अपने और समझ में आएगा, पहली वाली जो चीज है वो अपने को और बेहतर समझ में आएगी, ठीक बेटा। देखो आप समझो, ये मान लो अपने पास लूप है, दिस इज द लूप ना, थोड़ा सा ये लूप है, ठीक बेटा। अब मैंने क्या बोला कि इसमें करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ठीक बेटा, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अपने को, मैंने क्या बोला था अभी पिछली बार में, कि लूप का हर एक टुकड़ा वायर की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक ए वायर, तो ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है, इतनी इसको वायर मान लेते हैं छोटा सा टुकड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किस तरह से होंगे अपन देखते हैं। तो देखो यूं है वायर का छोटा सा टुकड़ा, तो करंट कहां है बेटा, नीचे,
करंट नीचे, आप अंगूठा आपका नीचे जाएगा और ये वाला रूल राइटिंग थंब रूल आप अच्छे से लगाना आना चाहिए तभी आप ये पढ़ सकते हो। तो करंट गया नीचे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ गई, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, इस तरह से आप देखो इसी तरह से आ गई यू, समझ लो। तो क्या होगा कि यहां से घूम के यहां से बाहर आएंगी और फिर यहां से अंदर जाएंगी, कुछ अलग है। पिछले वाले केस में जब करंट ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी और घूम के बाहर आ रही थी, यहाँ क्या हो रहा है बाहर से अंदर जा रही और अंदर से बाहर आ रही, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर लेंगे छोटा सा टुकड़ा, मान लो ये वाला टुकड़ा देखते हैं, तो ये ऐसे देखो दोबारा करंट ऊपर, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ गई बेटा अंदर चली गई और ये घूम के यहाँ से कहाँ गई बेटा बाहर आ गई। तो इस टुकड़े के कारण भी लूप के अंदर आप बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही, इस टुकड़े के कारण भी लूप के अंदर आप बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ गई। ऐसे इस टुकड़े के कारण देखते हैं तो करंट ऐसे जा रहा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोबारा घूम के क्या कर रही है अंदर जा रही है, यहां से लूप करके लूप कर रहे हैं तो यहां से कहां जा रही है बेटा अंदर जा रही है और फिर घूम के कहां आ रही है बाहर आ रही, ठीक है इस तरह से। तो दोबारा लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, फिर आप एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ और ले लीजिए तो ये करंट ऐसे आ गया और आप ये देखेंगे आप यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से अंदर जा रही है ऐसे और फिर घूम के कहाँ आ रही है बाहर आ रही, ठीक है। फिर यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये इस तरह से, ठीक है, ये घूम के कहाँ आ रही है बाहर आ रही, ठीक है। तो आप कोई भी टुकड़ा लेंगे, यू विल टेक एनी, मतलब कोई भी टुकड़ा अगर आप लेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो कहाँ आती हुई कहाँ आती हुई नजर आएंगी बाहर आती हुई नजर आएंगी लूप के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं टुकड़ा देता हूँ देखो ध्यान से, तो ये ऐसे ये देखो आप रूल लगाएंगे छोटे से टुकड़े लूप को एक छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा मार मार के रूल लगाएंगे तो आपको आप अपने हाथ से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में सही बात हो रही है। तो ये बाहर आ गई दोबारा, ठीक है। फिर आपने ये छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है ये लिया, फिर ऐसे घूम के लूप जो वो कहाँ आ बेटा लूप जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से कहाँ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी पार्ट ऑफ द लूप हियर, जो एवरी पार्ट ऑफ द लूप है ना, एवरी पार्ट ऑफ द लूप, एवरी पार्ट ऑफ द लूप कंट्रीब्यूट्स टू मैग्नेटिक फील्ड, कंट्रीब्यूट्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द प्लेन for loop in which current is in anti-clockwise direction। इसको समझने के लिए बेटा बहुत अच्छा conceptual clarity होनी चाहिए, अच्छे से आपको right hand thumb rule आना चाहिए तभी आप समझ सकते हो, बाकी तो आप फिर याद करोगे बच्चों। याद करने की भी ट्रिक मैं भी लास्ट में बता दूंगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हर एक के कारण कहाँ आ रही है बाहर आ रही, बाहर आ रही, ठीक है बेटा ये बाहर आ रही, बाहर आ रही हर एक पार्ट के कारण। तो आप ये लिख सकते हो तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो लूप के अंदर की अपन बात करते हैं तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर आती है और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है तो लूप के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। ये अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप यहां पर बड़ा सा डॉट लगा सकते हैं, डॉट का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आउटसाइड द प्लेन ऑफ द लूप, है ना, मतलब इसके इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है, फिर वो घूम के जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन वापस अंदर जाके बाहर तो आएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर outside the plane of loop की plane के बाहर की तरफ आ रही, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा आसान सा है ना। तो अब आपको एक बात समझ में आई है ना कि जब क्रॉस होता है मतलब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जाएंगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो बाहर आएंगे। जब टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था। अब देखो बेटा मैं आपको सिंपल सी चीजें बताता हूँ
याद करने के हिसाब से। ठीक, देखो जैसे कि अपने पास लूप होगी, ये क्या लूप है, और लूप का एक फेस है। आप कोई भी लूप होती है उसके दो फेस होते हैं, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। तो ये आपके पास फ्रंट फेस है, समझ रहे हैं, फ्रंट फेस है। और फ्रंट फेस जो है वो किस तरह से, मान लो उसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाती है बेटा, इनसाइड द प्लेन जाती है। कहां जाती है, प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आप बात हर जगह क्रॉस बनाने से अच्छा है क्रॉस बना देता हूं, इनसाइड द, ठीक है, इनसाइड द प्लेन जाती है, ठीक है, प्लेन के अंदर जाती है ना। अब याद करो दो पोल होते हैं अपने पास, है ना, देयर आर टू पोल्स, मैंने आपको बताए थे मैग्नेट के अंदर। याद करो एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर आती है, और कौन से पोल से अंदर जाती है, साउथ पोल के अंदर जाते हैं, साउथ पोल जो फेस होता है उसके अंदर जाती है, और नॉर्थ पोल जो फेस होता है उससे बाहर आती है। तो आपको लगता नहीं कि ये जो फेस है मैग्नेट का, लूप का, वो कुछ कुछ साउथ पोल जैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके भी अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और इसके भी कहां जा रही है बेटा, अंदर जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिहेव करके साउथ पोल, ये जो फेस होता है साउथ पोल के अंदर बिहेव करता है। देखो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, जब भी इसे आप बनाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप इसको ऐसे बना सकते, मेक इट लाइक दिस, ये इस तरह से है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि मतलब जब भी आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओगे तो आप इसको आराम से साउथ पोल जैसे बना, जैसे इस डिजाइन से ऐसे लिखोगे, इस डिजाइन से ऐसे लिखो, तो एस आप इस डिजाइन से लिखोगे तो देखो आप एस का जो आपका एरो है वो अपने आप बता रहा है, एस एस के जो एरोज हैं जो मैंने एंड्स पर लगा दिए वो अपने आप कौन से डायरेक्शन को बता रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहे हैं। मतलब ये जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट में लूप में करंट जाता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। आप ये लर्न कर सकते, इट बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल, ठीक है। तो दिस बिहेव्स लाइक ए, है ना, दिस फेस ऑफ लूप, फेस ऑफ लूप बिहेव्स एज साउथ पोल। उससे क्या आपको याद रहेगा, साउथ पोल के अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो ये वाला लूप भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ पोल है, मतलब इसके भी कहां जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे, याद रखने का तरीका। अब देखो आप इस, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब देखो मान लो कि अपने पास इस तरह से लूप है और करंट इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आती है बेटा, बाहर आती है। अभी अपन ने देखा डॉट, तो एक बड़ा सा डॉट में बना देता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लूप है आपका, ठीक है ना, बाहर कौन से मैग्नेट के कौन से पोल से बाहर आती है, नॉर्थ पोल से बाहर आती है, समझ रहे। तो ये आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल, है ना, समझ रहे। नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का, आपको बताया नॉर्थ पोल जो होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है, तो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। देखो किस तरह से, देखो तो मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जो नॉर्थ पोल जिस स्टाइल में बनाऊंगा वो स्टाइल आप बनाए, उसके जो एरोज होंगे ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे। देखो तो नॉर्थ पोल के जो एरो हैं वो करंट की डायरेक्शन को बताएंगे, वैसे साउथ पोल के जो एरो थे वो भी किसको बता रहे थे, करंट की डायरेक्शन को, समझ रहे। सो दिस फेस ऑफ लूप, बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, समझ रहे। ये जो फेस है लूप का ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, और वो जो फेस था लूप का वो किसके तरह बिहेव कर रहा था, साउथ पोल की तरह। तो आपको अपने आप याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो दो मिनट में आपको याद हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो आपको बनानी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है, इस तरह से आएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मान लो डायरेक्शन ऐसे आया, ये डायरेक्शन है, तो आप फटाफट ऐसे सोचो कि अच्छा ये है तो साउथ पोल मेरा ऐसे बनता है, साउथ पोल, ठीक है।
ठीक है, और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाती है, अंदर, मतलब ये जो लूप है इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे क्रॉस ऐसे बना दोगे, ठीक है। अच्छा या फिर आपके पास करेंट ऐसे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज तो मेरा ये ऐसे 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 नॉर्थ पोल बनता है इसी तरह से, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आती है बाहर, तो मतलब इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आएंगी बाहर, ये याद है, ठीक है। तो कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखोगे तो आराम से हो जाए, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से लिखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, अगली क्लास में अपन सोलेनोइड के बारे में पढ़ाई करेंगे।